हेलो एवरीवन। तो आज डीएमई ने अपने वेबसाइट पर असम का जो नीट 2023 का मेरिट लिस्ट है वो रिलीज कर दिया है। तो ये प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट है। अभी उसके साथ एक और लिंक रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जिन जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो वो उस फॉर्म फिलअप करके डीएमई के ऑफिस में जाके उसको सबमिट करना है। तो उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का नाम आएगा, तो वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट है वो आप मान सकते हैं वही फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। तो मेरिट लिस्ट देखकर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आपका स्कोर और रैंक क्या है, स्टेट रैंक क्या है और कैटेगरी रैंक क्या है। तो मैं इस वीडियो में आज पूरी तरीके से मैं एनालाइज करके असम का जो नीट 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है आफ्टर द रिलीज ऑफ मेरिट लिस्ट। सो लेट्स मूव इन टू द वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मेरिट लिस्ट जो बहुत ज़्यादा पेजेस है, इसमें लगभग 700 पेज है। तो ये मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं। तो आप चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, कट ऑफ किया जा सकता है। तो ये है असम नीट 2023 कट ऑफ आफ्टर मेरिट लिस्ट रिलीज की 10% NRI कोटा, 12 सीट्स इंक्रीज्ड फॉर OBC सब कैटेगरीज एंड EWS 10% इन 6 मेडिकल कॉलेजेस। ये रोल अभी प्रपोज्ड है, अभी तक रोल्स नहीं बना है। तो जो MBBS BDS के रोल्स जो है वो DME अपनी वेबसाइट पर रिलीज करेगा कुछ ही दिन के बाद, इसमें सीट मैट्रिक्स भी होगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर ये इंप्लीमेंट नहीं होता है तो कट ऑफ पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, टोटल MBBS सीट्स इस बार 1500 है होगा असम में, जिसमें से 1255 स्टेट कोटा सीट्स होगा और इसमें से लगभग 512 मारा जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। EWS 126 जाएगा, OBC 339, SC 89, ST Plain 126 एंड ST Hill 63। अनरिजर्व में से लगभग 50 सीट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड को दिया जाएगा और स्पेशल कैटेगरीज के 20 सीट्स। तो इन दो कैटेगरीज में, ये जो दो कैटेगरी से 70 सीट्स, इनमें से लगभग 20-30 सीट्स ही जाएगा, उससे ज़्यादा सीट्स नहीं जाएगा। तो वो सारे सीट्स जनरल में आ जाएगा। तो लगभग आप मान सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 480-490 सीट्स ही रहेगा अगर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो ये तो हो गया तुम्हारा टोटल सीट्स। तो अब बात करते हैं इन सीट्स को देखकर मैंने कट ऑफ क्या बनाया है। तो अप्रॉक्सीमेटली UR को 480 प्लस, और लास्ट ईयर तो लगभग 60 स्टूडेंट्स ने AIQ के थ्रू एडमिशन लिया है। तो इस बार अगर ऐसा ही होता है, अगर 50-60 स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स बहुत ही अच्छा है उनको AIQ में सीट्स मिल सकता है, 7500 रैंक के अंदर जिन जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स है उनको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, वो अगर AIQ के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसका बेनिफिट स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स को होगा, तो उनको सीट्स ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मैं ये मान रहा हूँ लगभग 50-60 स्टूडेंट्स को AIQ के थ्रू सीट्स मिलेगा, तो अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ किया जा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए UR के जो कट ऑफ है वो 560 प्लस माइनस 3, 560 से नीचे आना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस हुआ है स्टूडेंट्स का, जिसकी वजह से कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो लगभग 560 आप मान सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो रहेगा। उसके ऊपर उसका थोड़ा इंक्रीज कर सकता है, उसके नीचे तो नहीं जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नीचे नहीं जाएगा। अगर जाता है तो वो मॉप अप या फिर स्ट्रे राउंड में जा सकता है। और EWS में लगभग 537 जाएगा प्लस माइनस 3, मैंने काउंट किया है EWS का सीट्स 510 से नीचे जितना सीट्स आता है उसमें लगभग 537 प्लस माइनस, माइनस तो नहीं जाएगा, जिसमें प्लस 3 मान सकते हैं, प्लस 3 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 540 के आसपास जाएगा EWS का कट ऑफ अगर नया रूल अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये जाएगा तुम्हारा EWS। उसके बाद आता है OBC का, तो 537 प्लस माइनस 2, 535 से नीचे OBC का कट ऑफ नहीं जाएगा, मैं ये श्योरली कह रहा हूँ। 435 से नीचे, सॉरी नॉट 535, 435 के नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा, यह आप मान के चलिए। नेक्स्ट इज SC का 438 प्लस माइनस 2, SC का कट ऑफ लास्ट ईयर से कंपैरिजन में थोड़ा नीचे जाएगा अगर नया रूल अप्लाई नहीं होते, और अगर नया रूल अप्लाई भी हो गया है फिर भी SC का कट ऑफ 438 या फिर 440 से नीचे जाएगा, ये मैं श्योर हूँ। नेक्स्ट ST Plain और ST Hill मेरिट लिस्ट में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, तो इसलिए ST Plain और ST Hills का बताना मुश्किल है। फिर भी मैंने लास्ट जो कट ऑफ बताया था सेफ स्कोर या फिर मैंने रिजल्ट के बाद जो कट ऑफ बताया था वही अप्रॉक्सीमेटली वही जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा फर्स्ट कट ऑफ जो जा सकता है अगर नया रूल अप्लाई नहीं होता है।
नेक्स्ट, अगर इस साल नया रूल अप्लाई हो जाता है, गवर्नमेंट जो नया रूल लाया था वो अगर अप्लाई हो जाता है तो क्या हो सकता है? तब जाके सिनेरियो कुछ चेंज हो जाएगा, जिसमें से एनआरआई को 10% दिया जाएगा, जिसमें 126 सीट्स आता है, ओबीसी को 339 प्लस 12 सीट्स, मतलब 351 सीट्स, उसके बाद ईडब्ल्यूएस को 126, एससी 89, एसटी प्लेन 126, एसटी हिल 63। इन सब कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा अनरिजर्व में लगभग 370 सीट्स बचा रहता है। तो आप देख सकते हैं कितना चीज, लगभग 100 सीट्स अनरिजर्व का डिक्रीज हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा तुम्हारा जनरल का जो कट ऑफ है उसमें, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का कट ऑफ, इन तीनों कैटेगरी का कट ऑफ पर असर पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस का अगर नया रूल्स के हिसाब से अगर 6 मेडिकल कॉलेजेस में ही सिर्फ 10% सीट दिया जाएगा तो उसमें से ईडब्ल्यूएस का सीट्स भी कम हो सकता है, जिसमें से 80 सीट्स आ जाएगा लगभग। अगर नया रूल्स के हिसाब से अगर ईडब्ल्यूएस ओनली इन 6 मेडिकल कॉलेजेस हो जाता है तो उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस का सीट से अगर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जाता है तो ईडब्ल्यूएस का सीट्स लगभग 80 सीट्स आ जाता है। तो इसकी वजह से भी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। तो अब कट ऑफ देखिए, इफ न्यू रूल्स अप्लाइड, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व का कट ऑफ 570 से ज्यादा जाएगा। तो मुझे भी दुख हो रहा है क्योंकि अगर एनआरआई अप्लाई हो जाता है तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स बहुत ही अच्छा है उनको सीट्स नहीं मिलेगा जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो लगभग 570 से ऊपर जाएगा अगर नया रूल अप्लाई हो जाता है। और ईडब्ल्यूएस 550 प्लस माइनस 5, मैं ये मान रहा हूँ 548 से ऊपर जाएगा अगर नया रूल अप्लाई हो जाता है ईडब्ल्यूएस का। नेक्स्ट ओबीसी 437 अप्रॉक्स, और एससी का 440, एससी का 440 नहीं जाएगा, 438 या फिर 439, 440 इनके बीच में ही रहेगा। सो ये रहा दो कट ऑफ। एक तो हो सकता है अगर 10% एनआरआई कोटा अप्लाई हो जाता है तब तो मतलब जो मैंने सेकंड कट ऑफ बताया था वही जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट ने या फिर डीएमई ने कुछ नहीं बताया है, सिर्फ बोला है कि प्रपोज्ड है ये रूल अप्लाई हो सकता है। तो अगर अप्लाई हो जाता है तो सेकंड कट ऑफ जाएगा, और अगर अप्लाई नहीं होता है तब तो जो पहला कट ऑफ है वही जाएगा, जिसमें से कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज हो सकता है, तब उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं करेगा। तो इस बार जो मेरिट लिस्ट देख कर ये चीज़ हाँ बोल सकते हैं, तो कट ऑफ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया है लास्ट टाइम से। अगर 10% एनआरआई होता है तो ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट, अगर ईडब्ल्यूएस ओनली इन 6 मेडिकल कॉलेजेस होता है तो फिर भी इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस बार कट ऑफ के ऊपर। सो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं मैंने क्या क्या चीज़ बताया है, और आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको इस बार सीट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कट ऑफ किया जा सकते हैं, कट ऑफ किया जा सकते हैं, उनको मार्क्स इतना मिल रहा है, उनका रैंक इतना है। तो आप, मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो लाया हूँ, आप खुद एक बार एनालाइज करिए कि आपको सीट्स मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो आपको काउंसलिंग के लिए वेट करना है या फिर नहीं करना है, या फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना है, तो इसको देखकर आप कम्प्लीटली पता लगा सकते हैं।